दोस्तों 2022 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। ये वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। दोस्तों आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई और गुरुवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं, आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई दिन गुरुवार है। सावन का पहला सोमवार व्रत 18 जुलाई दिन सोमवार है। दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 1 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 8 अगस्त के दिन पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 12 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। दोस्तों सावन व्रत में ये फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित, शिव जी ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं रख सकता। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना गया है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत तो कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ये गलती कभी मत कर
करना। शास्त्रों के अनुसार कुवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। नंबर 6, कुवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुवारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहाँ पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इसे देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश ना करें, इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को इस अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है जब देव शक्तियां नाराज होती हैं, तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी ही चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो हर रोज हर वक्त के लिए जल धारा का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी न करें, क्योंकि गरुण पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी जरूर होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने शारीरिक संबंध बनाए हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना जाएं। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप ऐसी अवस्था में भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ति नर्क में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है, ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने सावन का व्रत किया है तो व्रत में फलों में आपको नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, ये घोर पाप माना जाता है, इससे आपका व्रत सफल नहीं होता, तो ये गलतियां आप ना करें। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।